उसके बाद हम अपनी काफी सारी एप्लीकेशन को बाहर से ही यूज कर सकते हैं। हमें अपने फोन में मेनू में जाने की भी जरूरत नहीं है। हम चाहें तो अपनी फेवरेट सभी एप्लीकेशन को स्क्रीन से ही यूज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के शॉर्टकट को स्क्रीन पे लाए हुए। अदर वर्ड्स में अगर इसे कहें तो हम काफी सारी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं सिर्फ एक एप्लीकेशन की मदद से, और हमें अपने फोन के मेनू में भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरह से हम इस एप्लीकेशन का यूज कर सकेंगे अपने एंड्रॉइड फोन में। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर को जैसे ही हमने सर्च किया, आप देख सकते हैं इसका काफ़ी सारा रिजल्ट आ गया, लेकिन यहाँ से हमको कौन सी एप्लीकेशन चूज़ करना वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको नीचे स्लाइड करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर iOS 11 नो एड्स, तो आप इसी को यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। फिलहाल मेरा यहाँ पर इंस्टॉल है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमें कुछ क्यूब गाइड दिया जा रहा है, तो यहाँ पर इसे नेक्स्ट कर देते हैं। आप इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं, और चलिए यहाँ पर अब हम स्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर अब आप नीचे की साइड में देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक मैसेज नज़र आता होगा, क्लिक हियर टू एक्टिवेट एप्लीकेशन इन सेटिंग एक्सेसिबिलिटी। तो चलिए इस पे यहाँ पर क्लिक करते हैं, और ये रिडायरेक्ट हो चुका है एक्सेसिबिलिटी पर। तो यहाँ से चलते हैं सर्विसेज में, और सर्विसेज में आने के बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमें नीचे की साइड में कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से अब इसको ऑन कर देते हैं। और चलिए अब हम इस एप्लीकेशन को क्लोज करके रीओपन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह की सेटिंग नज़र आती होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ सेटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनेबल का बटन दिया हुआ है, एडमिन परमिशन, विजिबल इन लॉक स्क्रीन, विजिबल वाइब्रेट, टच एरिया पोजीशन, और भी यहाँ पर बहुत कुछ दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से हम पहले कुछ सेटिंग कर लेते हैं, और यहाँ पर टच एरिया पोजीशन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वो है सेट ग्रेविटी, सेकेंड है हमारा सेट टच एरिया विड्थ, सेट टच एरिया हाइट, सेट टच एरिया पोजीशन। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन हमारे टच एरिया के आ रहे हैं। जैसा कि अभी आप डाउन साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट कुछ एरिया नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ये अलग से ही कुछ डार्कनेस इसमें नज़र आ रही है। तो इसी एरिया को यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने होम स्क्रीन पे जाएंगे तो ये एरिया वहाँ पर भी हमें शो होगा। तो इसी के द्वारा हम काफ़ी सारे एप्लीकेशन को एक ही एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं, उसके बाद उन सभी को हम बाहर से ही यूज़ कर सकते हैं। तो फटाफट मैं यहाँ से इसको सेट कर देता हूँ, आप भी इसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। और फिलहाल मैं इस एरिया को यहाँ पर राइट साइड में ले लेता हूँ, और अब बैक चलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टच एरिया सेटिंग के नीचे एक विजिबल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, और इसमें लिखा हुआ शो हाइट टच एरिया। तो ये जो एरिया हमें नज़र आ रहा है, तो इस एरिया को हम विजिबल कर सकते हैं या फिर इनविजिबल भी कर सकते हैं, जिससे कि किसी को पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर हमारा कोई शॉर्टकट भी स्क्रीन पर है। तो फिलहाल मैं यहाँ से इसको अनचेक कर देता हूँ, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो एरिया अभी नज़र आ रहा था वो इनविजिबल हो चुका है। तो चलिए अब मैं इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूँ, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने टच एरिया को राइट साइड में लिया था, तो अब मैं राइट साइड से इसको स्क्रोल लेफ्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे इतने सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा भी हम इसमें काफ़ी सारे एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये ब्राइटनेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें वॉल्यूम का ऑप्शन नज़र आ रहा है, साथ ही यहाँ पर हमें प्लेयर मिलता है, फ्लाइट मोड, वाइब्रेटर मोड, वाईफाई, ब्लूटूथ, नाइट मोड, टॉर्च, फ्लाइट मोड, यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है। इसके अलावा भी हम अपनी फेवरेट एप्लीकेशन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अगर मैं यहाँ पर म्यूज़िक प्लेयर पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मुझसे ये चूज़ करवा रहा है जो भी मैं प्लेयर अपने इसमें रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कई प्लेयर हैं। तो यहाँ से मैं म्यूज़िक प्लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मेरा म्यूज़िक प्लेयर ऐड हो चुका है। इसी तरह से और भी यहाँ पर
ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, उनमें भी हमको पहले इसको एप्लीकेशन ऐड करना पड़ेंगे। तो ये सारे एप्लीकेशन तो हमें डिफ़ॉल्ट ही मिल जाते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ पर कुछ और भी एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से अब हम कुछ और एप्लीकेशन को ऐड कर लेते हैं। तो उससे पहले हमें फिर चलना होगा अपनी एप्लीकेशन में कंट्रोल सेंटर में। तो चलिए यहाँ पर कंट्रोल सेंटर एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, और इस बार यहाँ पर आपको ऐप शॉर्टकट का एक ऑप्शन नज़र आएगा जो कि बिल्कुल डाउन में दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर ऐप शॉर्टकट पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से आपको जितनी भी एप्लीकेशन को ऐड करना है तो आप उनको यहाँ से टिक कर दीजिए, वो सभी एप्लीकेशन हमारे कंट्रोल सेंटर एप्लीकेशन में ऐड हो जाएंगी। तो चलिए यहाँ से मैं कुछ एप्लीकेशन को ऐड कर लेता हूँ। और अब बैक हो लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम ब्लर बैकग्राउंड को भी इसकी सेटिंग को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ जिससे कि ज़्यादा ब्लर ना हो हमारा जो भी फ़ोटो स्क्रीन पे लगा हुआ है। और अब मैं बैक हो जाता हूँ, तो हम राइट साइड से इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा कंट्रोल सेंटर एप्लीकेशन ओपन हो जा रहा है, और यहीं पर हमारे काफ़ी सारे ऑप्शन भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तो मैंने यहाँ पर केवल चार ही एप्लीकेशन को ऐड किया था, आप चाहें तो यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा पूरी तरह से ऐप इनविजिबल है, और ना ही हमें मेनू पर क्लिक करना पड़ा, हमें यहाँ पर केवल राइट साइड से थोड़ा सा स्क्रॉल करना हो रहा है, और हमें यहाँ पर हमारी फेवरेट एप्लीकेशन नज़र आ रही हैं। साथ ही यहाँ पर हमें अमेजिंग ब्लर लुक दिया गया है जो कि देखने में काफ़ी इफेक्टिव लगता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने फेवरेट एप्लीकेशन को अपनी स्क्रीन पर ही ऐड कर सकते हैं, वो भी इनविजिबल। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।